जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन जारे यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sabhi log boliye Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
राम सुंदर तेरा हे जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव तेरा हे राधा माधव राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम जय वृंदावन राम जय वृंदावन राम जय वृंदावन राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गौरनिदाय जय गौरनिदाय पतित पावन गौरनिदाय जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद नितय गौर हरिबोल 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 नितय गौर हरिबोल नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की पिताई गोपीमंद हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस्कॉन बरोड़ा मंदिर में खास करके भगवत गीता कोर्स क्लास में स्वागत है। तो एक बार वैदिक परंपरा के अनुसार जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सबका स्वागत करेंगे, ठीक है? साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हर संडे को 7:30 पे गीता क्लास चलता है, आप लोग चाहें तो उपस्थित होके यहाँ पे सीख सकते हैं। तो काफी लोग यहाँ पे नए हैं, श्रील प्रभुपाद ने आप भगवद गीता देखेंगे पूरे 18 अध्याय और 66 श्लोक जो भी हैं, और इसके बाद प्रभुपाद ने टेबल पे देखेंगे तो काफ़ी सारी पुस्तकें 80 से ज़्यादा पुस्तकें छोटी पुस्तकें प्रभुपाद ने लिखी भगवद गीता के बाद। तो कृष्ण की ओर पुस्तक है, बहुत अच्छा पुस्तक है, आप चाहें तो बुक टेबल से भी यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। हाँ थोड़ा सा आवाज़। तो हम पढ़ेंगे सुख का सीधा मार्ग। देखिए इस संसार में जितने भी लोग हैं सब सुख की तलाश में है ना, सब चाहते हैं सुखी होना। थोड़ा कम करिए। तो वास्तविक सुख क्या है ये हमें जानना है ना, कि हमें संसार में कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्या यहाँ पे वास्तविक सुख है या है भी नहीं है, है ना। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं किंतु प्रत्येक सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसकी विवेचना भगवद गीता में भगवान अर्जुन को समझाया। तो हमें जानना होगा यहाँ पे कि वास्तविक सुख है क्या। यहाँ बताया जा रहा है कि स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। आप लोगों को काफ़ी लोगों को अनुभव होगा कि शरीर किससे बना है। पहले आपने जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वैदिक शास्त्रों में इसको बताया गया है क्या कि अपने आप को जानना। तो कैसे जान सकते हैं आप लोग? मान लीजिए कोई व्यक्ति है
यहाँ पे उसका शरीर पड़ा है और उसमें से आत्मा निकल गया है मान लीजिए, तो बताइए वो शरीर क्या क्या आंखें देख सकती हैं क्या? नहीं देख सकती। हाथ काम करना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, जितनी भी इंद्रियाँ हैं सब कार्य करना बंद कर देंगे केवल एक आत्मा निकल जाने से। तो हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है शरीर का मेन चालक है ना, आत्मा है शरीर में तब हमारी गाड़ी चल रही है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। क्षित जल पाव गगन शरीरा पंचतत्व अधम शरीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इससे हमारा शरीर बना है ना। सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर है ना। और आत्मा का शरीर क्या है ये प्रश्न हो सकता है आप लोगों का। हाँ तो भगवान का नाम ही सच्चिदानंद है ना, टोटल आत्मा का शरीर है, पूरा नख से लेके पूरा शरीर आत्मा का है भगवान का, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारी गाड़ी चल रही है ना। आत्मा बना है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सत्य यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान और आनंद में, तो आत्मा भी उसी से बना है ना। इसीलिए हम हमेशा आनंद ढूंढते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं है ना। आत्मा भगवान की संपत्ति है ना, और हम आनंद ढूंढते हैं। आत्मा एक क्षण बिना आनंद के संसार में रह सकता है, इसलिए हमें लगता है कोई वस्तु हम प्राप्त करते हैं तो लगता है कि ये वस्तु हमें आनंद देगी, लेकिन दो तीन दिन बाद, चार दिन के बाद, पाँच दिन के बाद वही वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती है एक महीने के बाद। ऐसा क्यों? फिर नया झूठते हैं इसमें आनंद मिलेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा को हर समय आनंद चाहिए, तो आनंद कहाँ मिलेगा प्रश्न हो सकता है। हाँ उसकी स्थिति बताई जा रही है नश्वर पदार्थों से परे। नश्वर पदार्थ इस संसार में काल के द्वारा सब कुछ प्रभावित हो रहा है। एक एप्पल लाइए टेबल पर रख दीजिए, तीन चार दिन तक रखिए उसको, फिर धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे तो। काल के द्वारा क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, हर वस्तु इस संसार में प्रभावित हो रहा है। तो ये है भौतिक संसार, क्या बोलते हैं इसको मेरे पीछे बोलिए, भौतिक संसार। और भगवान का संसार क्या है? आध्यात्मिक। भगवान का धाम क्या है? आध्यात्मिक। तो भौतिक चीज़ों से आध्यात्मिक ज्ञान को आनंद लेना है अगर आप लोगों को, तो इसके लिए मैनुअल होना चाहिए, समझना पड़ेगा कैसे। सुख का अनुभव साधारण हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सुख का अनुभव हम साधारण अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। हमारी आँखें हैं, हाथ हैं, हाँ तो आँख का विषय क्या है? रूप देखना है ना। हाँ हर इंद्रिया का एक एक विषय होता है कार्य करने का है ना। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, एक पत्थर के पास कोई इंद्री नहीं है अतः वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पे हम बताएं कोई पत्थर है मान लीजिए, उसको सुख दुख का अनुभव, लेकिन हमारे जो है हमको बीमारी होती है, कष्ट आते हैं जीवन में, तो हमको दुख का अनुभव होता है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, हमारी हम सुख दुख का फीलिंग कर, लेकिन पत्थर के पास जड़ पदार्थ उसको नहीं होता है। विकसित चेतना अविकसित चेतना के अपेक्षा सुख दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती। जो वृक्ष बाहर खड़े हैं उसमें भी आत्मा है, लेकिन क्या है उसकी चेतना सुप्त अवस्था में है, और हमारी चेतना क्या है? विकसित है, क्योंकि हम भगवद गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दिया है, लेकिन वृक्षों के पास अभी क्या है? चेतना विकसित नहीं है, इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल तीन दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह इसे सहन नहीं कर सकेगा। हमको बोला जाए कि बाहर रोड पे दो घंटा खड़ा रहना है या तीन घंटा खड़ा रहना है, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, एक ही जगह नहीं खड़ा सकते, लेकिन वृक्ष का शरीर मिला है उसको तो एक ही जगह पे खड़ा है वो, उसको कितना कष्ट होता होगा। प्रश्न हो सकता है वृक्ष का शरीर क्यों मिला उसको? यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होगा। यम यम आमी असमर्म हम तत् कलेवरम, भगवद गीता में तो ये बताया जाता है कि कर्मों का है वृक्ष का शरीर मिल जाता है अपने कर्मों के विकाप से है ना।
बताया जा रहा है कि यदि मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा जाए तो वह सहन नहीं करेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। जिसकी जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, विकास करते हैं ना। तो वृक्ष के लिए अगर मान लीजिए मैं बोलूँगा कि 1 गिलास पानी दूंगा, वृक्ष में पानी डाल के आइए, आप लोग कहाँ डालेंगे पानी बताइए? आप लोग पानी कहाँ डालेंगे? हाँ, जड़ में डालेंगे। पत्ते पत्ते पे अगर डालते रहेंगे तो क्या उसको उतना पोषण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। तो जड़ में डालते हैं। क्यों? सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास उनका करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता है कदाचित यही कहता है, हाँ मैं वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत आनंद ले रहा हूँ आदि आदि। लेकिन आप लोग बताइए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, हमके लिए भगवान ने घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं रहने के लिए, अलग अलग चीज़ें लेते हैं, लेकिन वृक्ष सारा दिन गर्मी जाड़ा बरसात एक ही जगह खड़ा रह के सहन करना पड़ता है उसको। तो 84 लाख योनियों में भी वो एक वृक्ष का है जीवन। तो मनुष्य शरीर मिले हैं, बहुत ही हम भाग्यवान हैं कि हम भगवद गीता भागवतम पढ़ के समझ सकते हैं, उच्च विकास कर सकते हैं, है ना। इस एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति का आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियाँ हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएँ अनुभूतियाँ भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने को योग्यता नहीं है, अगली बार वह मारा जाता है। सबको अनुभव हो रहा है, ये कसाई घर में देखते हैं, एक बकरी घास डाल देते खाता रहता है, वो लगता है कि उसका मृत्यु नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे एक ख़त्म होता है फिर दूसरे का नंबर लग जाता है। वह सोचता है मैं सुखी हूँ, लेकिन अगले क्षण मारा जाता है। इस प्रकार सुख अलग अलग श्रेणियों की हैं। हाँ, तो अलग अलग श्रेणियाँ हैं। हाँ, क्या है वो? तो बताया जा रहा है कि जो श्रेणियाँ हैं सबका सुख दुख अनुभव करने के अलग अलग श्रेणियाँ हैं, है ना। जैसे वृक्ष का बताया, और किसका बताया मैंने, पशु का बताया, है ना। मेरे पीछे श्लोक बोलेंगे, सुखम आत्मिंदकियम यद्य बुद्धि ग्राहम तेन्द्रियम वेत्रियत्न चैवायम स्थितिम चलति तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवद गीता 6.21 में भगवान बोलते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से सुख का दुख का अनुभव करते हैं, तो क्या ये इंद्रियां हमारी पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं, इसके लिए भी हम सीखेंगे, है ना। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का सुख नहीं ले सकते जैसे मानव ले रहा है। एक मृत व्यक्ति के हाथ पैर आँख नाक सब इंद्रियाँ होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो जाती है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सुख अनुभव करने की स्थिति थी वो आत्मा थी। आत्मा अगर शरीर से निकट जाता है तो सारी इंद्रियाँ काम करना बंद कर देती हैं, है ना। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती है, है ना। और क्या बताया जा रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो जाती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक से और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना, कि हमें जो शरीर मिला है ये क्या है? एक रेंट पे मिला है, किराए पे मिला है। जैसे रूम पे रेंट लेते हैं ना,
जैसे जितना हम रेंट भरते हैं उतना बोलता है मकान मालिक, क्या बोलता है, आप इस घर में रह सकते हैं। अब रेंट देना बंद कर देंगे तो क्या आपको रखेगा, क्या बोलेगा, रूम खाली करो, है कि नहीं, हाँ बोलेगा अगले क्षण रूम खाली करो। वैसे ही एक निर्धारित समय के लिए आत्मा अब है शरीर में है, और जैसे ही देखते हैं कि कोई ज़्यादा ओल्ड है कोई जवान है, फिर भी आत्मा शरीर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो मकान मालिक बोलते हैं खाली करो, प्रकृति के नियम के अनुसार हम कर्म नहीं करते, उसका नियम तोड़ते हैं और ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस शरीर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमें भी समझना पड़ेगा शरीर क्या है, भगवान के दिया हुआ एक उपहार है, हमें मिला है, जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। अन्य किसी जीव में योनि में जाएंगे तो जानने के लिए आपको इतना सुविधा नहीं दिया जाएगा। मनुष्य ऐसा शरीर है, वही भारत भूमि में शरीर मिला है, सोचिए ये तपस्या की भूमि है। यहाँ पे हमें समझना चाहिए सारे शास्त्र हमारे पास हैं। हम बहुत अभी देखिए संसार में क्या हो रहा है, हम सोने चांदी के कुपड़िया कपाट भरे, इसमें सब सोने हीरे जवाहर सब कुछ भरे हैं, और इसके ऊपर बैठे हुए हैं, और ढूंढ रहे हैं धन कहाँ है, जा रहे हैं अमेरिका बाहर देश जा रहे हैं, अब जबकि खजाना हमारे अंदर ही है। सारे देश के लोग आते हैं आध्यात्मिक संत सीखने के लिए भारत में आते हैं, और हम अपना छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, भारत भूमि में है, सारे शास्त्र हैं, सब कुछ उपलब्ध है, गुरु शिष्य परंपरा है, सब कुछ है अपने पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको हम सीख लें बस, तो हम कहीं भी रहें कहीं भी रहें हम सुखी जीवन जी सकते हैं। तो वैदिक परंपरा में बताया जाता है क्या, कि हम जहाँ भी हैं केवल गीता भागवतम जो शास्त्र हैं पास में रखना चाहिए। मोबाइल हमेशा साथ में रहता है, वैसे गीता भी हमारे साथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई निर्णय लेना है तो बुद्धि कहाँ से मिलेगी, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो शास्त्र से हमें लेना चाहिए। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोगता आध्यात्मिक स्फुलिंग है। देखिए बार बार बता रहे हैं प्रभुपाद, एक ही चीज़ को बार बार फोकस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आनंद उठा रहा था वो कौन था, आध्यात्मिक स्फुलिंग है ना। उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि आनंद उपभोग करने का तो आत्मा को चाहिए, लेकिन वो भौतिक आवरण से ढका हुआ है। जो हम देखेंगे गोलोक एक चार्ट आता है, लगा है, आप लोगों को दिखाऊंगा, एक एक लेयर है ना, आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ा है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर है उसके ऊपर, तो ये सब लेयर चढ़े हुए हैं। तो फिर हम जान नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है। अभी का समय कौन चल रहा है, तमोगुण चल रहा है। सुबह का टाइम सतोगुण होता है, सुबह उठिए सबको पूजा पाठ करने की इच्छा होती है, स्वाभाविक होती है, पूजा पाठ करने की, भगवान का नाम लेने का, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, सबका माइंड फ्रेश होता है, कुछ विचार नहीं था केवल भगवान का। तो उस समय हम चाहें तो गीता भागवतम पढ़ के ये धीरे 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 समझ सकते हैं। तो इस कलयुग में सबसे आसान विधि है, हम जहाँ भी हैं वहीं पे भगवान के नाम का अगर कीर्तन करें हरे कृष्ण महामंत्र का, तो धीरे धीरे जो आध्यात्मिक जो अभी देखिए कीर्तन कर रहा था यहाँ पे हो रहा था, सबको आनंद हो रहा था। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ध्वनि है, कोई यहाँ भौतिक ध्वनि नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र ध्वनि जो आध्यात्मिक, ये संसार का नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये ऊपर की वस्तु है, यहाँ की वस्तु नहीं है। जैसे उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ, अग्नि है, अग्नि आप लोग घर में जलाते हैं ना, तो अग्नि कहाँ जाता है, वो किससे लौ जाता है, किससे लपक ऊपर जाता है ना, क्यों जाता है, क्यों नहीं नीचे जाता है, क्यों नहीं साइड में जाता है, ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि अग्नि यहाँ की वस्तु है ही नहीं। जितनी भी नदियाँ हैं सब कहाँ जा रही हैं, समुंदर की तरफ। जो जहाँ की वस्तु है वहाँ पे जाएगा तभी उसको आनंद मिलेगा। तो आत्मा तो इस शरीर में है, लेकिन उस पर भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का। इसलिए जब तक वो स्फुलिंग जागृत नहीं होगा भक्ति के द्वारा, तब तक हम नहीं समझ सकते इस चीज़ को। और भक्ति ही ऐसा माध्यम है उस चीज़ को जागृत करने के लिए।
अगर बारिश हो रही है, अगर खूब सारा ये घास फूस है तो अग्नि जलाएंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि मौसम के कारण ठंडा पड़ गया हो। लेकिन भक्ति इतना तीव्र है कि पहले दिन लोग आते हैं इस्कॉन मंदिर में, छोटी सी गीता पढ़ते हैं, भक्तों के से मिलते हैं, तुरंत वो अग्नि जल जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इसको पढ़ने से मालूम चल जाता है लोगों को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और फिर उसके अनुसार कैसे कार्य करना है वो यहाँ पे सिखाया जाता है ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे, उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपयोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग के उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे बड़ी बात, कि जो स्फुलिंग है यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जानना, पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग, हाँ हमें पता हो नहीं, लेकिन चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण बिना अनुभव नहीं कर। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो स्फुलिंग शरीर से निकल चुका है ना। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री के शरीर में न केवल आनंद उपयोग कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्मा स्फुलिंग से निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा आनंद उपयोग कर रहा था। किसी को भी दिया जाए मृत शरीर, लो घर में रखो, कोई रखेगा क्या? आत्मा निकल जाते हैं, बोलते हैं शरीर को हटाओ यहाँ से, जल्दी हटाओ। कोई रखना नहीं चाहता है। अभी कोविड में देखा आपने, हाँ ये सब कैसा हो रहा था, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि जो आत्मा निकल जाने से शरीर क्या होता है, सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। हाँ, बोलते हैं घर से बाहर निकालो। क्यों बोलते हैं? अभी तो हमारा संबंध बहुत अच्छा था उनके साथ, हाँ हमारे लिए कितना मेहनत करके ला रहे थे क्या, लेकिन फिर बोलते हैं बाहर निकालो। तो वही चीज़ यहाँ बताए जाते हैं कि जब आत्मा स्फुलिंग से निकल जाता शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा आनंद भोग कर रहा था, तो इसको इंद्रियाँ भी होनी चाहिए। हाँ, आप तो बोलते हैं प्रभु जी आप तो बता रहे हैं कि आत्मा आनंद कर रहा है, तो क्या आत्मा के पास इंद्रिय है क्या? हाँ, प्रश्न हो सकता है ना, कैसे आनंद लेता होगा आत्मा? देखिए, भगवान का नाम है क्या, सच्चिदानंद विग्रह है ना, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ईश्वर परमा कृष्ण, हाँ भगवान क्या है, परम ईश्वर है ना, और इनकी इंद्रियां हैं, अंगान यश शक्लेन्द्रिय विद्यमंती। भगवान चाहे तो इस ब्रह्मांड को आँखों के द्वारा गर्वित कर सकते हैं, है ना। हम पीछे नहीं देख सकते, लेकिन भगवान आगे पीछे दाएं बस सब 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 क्या हो, सब जानते हो, सबके हृदय में है, आगे सब कुछ जान सकते हैं, उनकी इंद्रियाँ पूर्ण हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव हैं वहाँ पे सब आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक आनंद उनके पास है, उनके शरीर इंद्रियाँ सब आध्यात्मिक हैं, है ना। वहाँ पे कल्प वृक्ष है, इसी यहाँ जो वृक्ष है आम का, या फिर उसको बोले कि मेरे को केला चाहिए या कुछ चाहिए तो देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, आपकी मनवांछित वस्तु प्राप्त होगी वहाँ पे, जो आप चाहते हैं ना, और आध्यात्मिक शरीर होगा आपका, ऐसा शरीर नहीं होता है। हाँ, ये शरीर तो हमें कष्ट प्रदान करता है, बीमारी आती है तो खाता है, इसीलिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार संसार में मुख्य समस्या है ना। और इन समस्याओं को क्या करनी, पटने के लिए हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। हाँ, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें वो शरीर प्रदान कर सकते हैं जिससे दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब स्वाभाविक बात है, किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होगा तो तीन चीज़ें अपने आप रुक जाएंगे, उसका मृत्यु भी नहीं होगा, बीच में बुढ़ापा और बीमारी भी नहीं होगी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान बोलते हैं संसार में जितने भी जीव हैं
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुतनम, ये रहे सबके साथ, यही तो दुख है ना। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि वेद इसकी पुष्टि करते हैं, यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा कोई परिणाम परिमाण ही नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई नहीं दे, उसे यदि हम अणु अनुक्षीण यंत्र से देखें तो इस उससे हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए इस चीज़ को। आप खरीदारी करने जाते हैं, कोई वस्त्र खरीद के लाते हैं कपड़ा, तो जाते हैं टेलर के पास और अपने शरीर के अनुसार कपड़ा को सिलवाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई हम वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्कूलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसके धारण करने कोई भौतिक शरीर का विकास हुआ। प्रभुपाद जी इतना अच्छा से उदाहरण समझा रहे हमें कि हमें शरीर मिले हैं, भौतिक शरीर, इसका एक परिमाण बनाएगा ना, आँखें हैं, कान है, नाक है, इसका भी बनाएगा ना कैसे कार्य करना है। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब शरीर को जलाया जाता है तो क्या क्या गति होती है। तीन गति होती है शरीर की। क्या क्या गति होती है? कोई व्यक्ति मर जाए शरीर को जला देते हैं तो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। कोई मिट्टी में गाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मिट्टी बन जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। कहीं ऐसे ही पड़ा रह जाएगा तो सारे पशु पक्षी आके खा के अपना मौज करेंगे, फिर मल बन जाएगा। तो शरीर का क्या हो रहा है, सोचिए एक तरह से देखा जाए तो, है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। ममयमांसो जीव लोग के जीव तो सनातन, आज से नहीं सनातन काल से, लेकिन वो बिछड़ गया है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है, ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है, और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। देखिए ममयमांसो जीव लोग के जीव उदय सनातन, भगवान का अंश है आत्मा, है ना। आप लोगों कितने लोगों को याद होगा द्वारिका में जब भगवान बैठे थे और राशि जगह चल रहा था, तो शिशुपाल ने भगवान को बहुत ज़्यादा क्या किया, भगवान का अपराध कर रहा था, है ना, अपराध कर रहा था। तो भगवान ने बोला ठीक है 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा उसकी। लेकिन तब भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन निकाला और गला काट, फिर उसका आत्मा निकला। जितने भी लोग थे देखा कि वो आत्मा क्या हो रहा है, भगवान के शरीर में ही जा रहे वो, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा जो जिसकी वस्तु है वहीं पे जा रहा है। इससे भी एक देखने को मिलता है उदाहरण, है कि नहीं, शास्त्र बता रहे हमें। अब बताइए हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमें आनंद आता है क्या? अब बोलते हैं भगवान निराकार हैं, सब उनका रूप नहीं है, वो मूर्ख हैं, वो नहीं समझ सकते इस बात को। हम जब समझ सकते शरीर मिला है तो बिना हम कोई सेवा की आनंद नहीं पा सकते। आत्मा है, अगर कोई शरीर धारण नहीं करे, कोई कार्य नहीं करेगा भगवान के, तो आनंद नहीं आएगा, है ना। इसीलिए आत्मा का एक शरीर होता है, इससे भी समझ सकते हैं ना। हम जब कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमें कुछ खाने वाने कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, आत्मा करना चाहिए। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जितने भी शरीर है सब आध्यात्मिक है, सब चिन्मय है। इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगर शास्त्रों का प्रमाण लेंगे और जो हमारे जो चार संप्रदाय बोनाफाइड हैं, प्रमाणिक हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हमें समझ में आएगा। आज तो बहुत सारी प्रमाणिक नहीं है, बहुत सारे चल रहा है ना, और तो लोग भ्रमित हैं इसीलिए, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, उन प्रमाणिक शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, फिर गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, एक पीछे बोर्ड लगा है यहाँ पे, देखिए इस बोर्ड का कनेक्शन है उस माइक से, उसका है पावर केबल से, फिर इसका हॉवर से, और एक बोर्ड वैसा ही लगा है पीछे, एक और लगा है वहाँ पे जिसमें पीछे कनेक्शन नहीं है। अगर उसमें मैं कुछ प्लग डालूंगा तो उसमें करंट आएगा क्या? कि पीछे वायर नहीं है, नहीं आएगा। वैसे ही संसार में जितने भी लोग सब भ्रमित हो रहे हैं,
क्यों भ्रमित हो रहे हैं? क्योंकि वो बोनाफाइड संप्रदाय को पकड़ नहीं पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे। हम लोग इस्कॉन है ब्रह्म मद गौड़ी संप्रदाय, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा नारद व्यास देव, भगवत गीता लेंगे तो देखेंगे आप 30 नंबर पेज पे लिखा है पूरा गुरु शिष्य परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तम इवम राजदु। तो वही गुरु परंपरा में जुड़ेंगे तब ये शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो हमारा जीवन वैसे ही रहेगा, है ना, नहीं समझ सकते हम। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं यदि पिता में भी ये होंगे। अभी एक और उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है? हाँ, अब मैं आपसे बोलूँ कि आपके पिताजी का रूप नहीं था तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, बोलेंगे मूर्ख आदमी है। हाँ, अब इतना भी कॉमन सेंस लोग समझ सकते हैं, मैं बोलूँ आपके पिता का रूप नहीं है, उनके पिताजी का रूप नहीं है तो कोई बोलेगा मूर्ख है। तो अभी भगवान को ऐसा बोल ले सकते हैं तो क्या होगा? आपका रूप है, आपके पिताजी का रूप है, आपके बेटे का रूप है, भगवान का नहीं है। हाँ, कितने सोचने वाली बात है कॉमन सेंस की। हाँ, थोड़ा सा हमें लगाना चाहिए बुद्धि कि भगवान ने हमें इतना शरीर बनाया, आंखें बनाई, आंख कहीं बन सकता है क्या? कोई फैक्ट्री में से आंख बना सकते हैं क्या? हाँ, वो तो भगवान को देखने के लिए बना, धन्यवाद देना चाहिए हमें कि भगवान ने ऐसा आँख बनाया है। हाँ, कोई वैज्ञानिक बनाएगा क्या आँख? सोचिए, जितने भी फूल हैं कलर ये सब हम प्रकृति हमें दे रही है। हाँ, ये फूल अगर हमको बनाना रहेगा तो हम बनाएंगे। बोलते हैं कॉलेज में कागज़ लाओ, पेंसिल लाओ, कलर लाओ, फिर वो सुगंध भी नहीं आएगा क्या आएगा? नहीं आएगा। तो हमें समझना, प्रकृति हमें दे रही है सब कुछ, हमें सुगंध दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन वो किसके लिए दे रही है? भगवान की सेवा के लिए दे रही है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका उपयोग? अपने लिए करते हैं। तो यही कष्ट कारण बन जाता है। और एक देखिए यहाँ पर बताया जाए, यदि पुत्र में अवश्य होंगे, देखिए अगर पिता का रूप है तो पुत्र का अवश्य होगा, सिंपल सी बात बता रहे प्रभुपाद यहाँ पे। निश्चय रूप की विशिष्टता तो पुत्र में अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी होंगे। अतः कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान को नकारें? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अतेंद्रियम शब्द का अर्थ है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। हाँ, अब हमें समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी हमें ये सिखा रहे हैं कि इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी इंद्रिय क्या है? भौतिक है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझा लो। आप लोग रोड पे गाड़ी चलाते होंगे, हाईवे पे जाते हैं तो दूर से देखते हो, गाड़ी में देखते हैं, कांच में तो दूर से देखेंगे धूप है तो पानी दिखाई देता है वहाँ पे, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे तो पानी नज़र नहीं आएगा, तो लगता है कि पानी है लेकिन पानी होता नहीं है। और एक उदाहरण, दूर से जाते हैं रोड पे, देखते हैं जंगल पहाड़ सब दिख रहा है, सब पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है। अब जंगल में जाइए वहाँ देखिए लोग घर बना के भी रह रहे हैं, दूर से देखता है बस पहाड़ी पहाड़ है, वहाँ पे गाय है, बछड़े हैं, सब घर परिवार बसा हुआ है, लेकिन दूर से क्या दिख रहा है? पहाड़। और एक उदाहरण, कोई मान लीजिए कांच का ग्लास या शीशा ग्लास, पानी भरी उसमें और एक पेंसिल खड़ा डाली उसमें, फिर दूर बैठ के देखिए पेंसिल टूटा हुआ नज़र आएगा आपको, है ना, जैसे सीधा डालेंगे दूर से पेंसिल, लेकिन पेंसिल निकालिए टूटा नहीं रहेगा। मतलब ये इंद्रियाँ जो आँखें हैं हमारी वो क्या हैं? अपूर्ण हैं। इसीलिए तो भगवान ने क्या बताया दिया अर्जुन को? दिव्य आंखें प्रदान किया भगवत गीता में, है ना, समझ रहे हैं आप लोग? वही यहाँ बताया जा रहा है कि अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। भौतिक इंद्रिय क्या है? ये नहीं देख सकते हम, है ना। तो कैसे इंद्रियां शुद्ध होंगी? मेरे पीछे बोलिए, रमन्ते योगिन अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। हाँ, रमन्ते योगिन अनन्ते, भगवान है क्या बता रहे हैं? रमन्त, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो 24 आवर्स भगवान को दिखता है ना, उसकी इंद्रियां क्या है? पूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी हम देखते हैं गीता पढ़ते हैं, भगवती की
कम ही समय में पूरे प्रचार किया कृष्ण भावना में, बहुत कम समय में। कृष्ण उनको हेल्प कर रहे थे तभी तो। हाँ, आज से सोचिए अमेरिका में कितने साधु संत गए, क्या परिवर्तन हुआ किसी का? स्वामी विवेकानंद भी गए थे, क्या कोई भक्त बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का मिशन लेके गए थे, तब जाके कोई भक्त बना, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु का मिशन श्रील प्रभुपाद जी लेके गए, तब जाके लोग कृष्ण भावना में स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। उनका मिशन जब लेके गए, जब कृष्ण भावना में इसका प्रचार किया, तो 10 साल के अंदर पूरा विश्व में कृष्ण भावना प्रचार कर दिया। ऐसे कोई कर किया था साधु? कोई नहीं किया। अब उन्हीं की कृपा से हम पुस्तक पढ़ के सीख रहे हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का बस पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, है ना। तो वही चीज बताया जा रहा है कि इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। जो योगी आध्यात्मिक जीवन का अभिलाषी हैं, वे भी अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, प्रभुपाद जी एक लाइन समझाते हैं, फिर हमसे प्रश्न करते हैं। अब केवल मैं ऐसा नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं समाज में सबको सबसे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, सबसे प्रश्न करते हैं कि संसार में मनुष्य आज ठेला ठेल रहा है कष्ट उठाने के लिए, है गधा बन के ठेला। ये क्या मनुष्य काम है क्या ठेला ठेलना? मतलब पशु का काम है। हाँ, इतना कष्ट उठाने के में योगी जन किस प्रकार का अनुभव करते? अब योगियों को भी बोल रहे हैं, जंगल जाकर तपस्या करते बड़े बड़े योगी। हाँ, हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और क्या करते हैं योगी? मैजिक दिखाते हैं। हाँ, मैजिक दिखा क्या होता है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या जीवन परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, वही चीज़ बता, इतना कष्ट उठाने के योगी जन किस प्रकार का अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है, वह कैसे? अब बता रहे हैं प्रभुपाद। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। आत्मा शाश्वत है। देखिए सच्चिदानंद बताया था ना हमने, और वही चीज़ बता रहे हैं। आत्मा क्या है? शाश्वत है। इसका क्या है? कोई विनाश नहीं होता है। नैनम चिंतन दे सत्यराणी नैनम धति पाव कर। आत्मा को न जला सकता है न मारा जा सकता है, शाश्वत है वो, है ना। और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम भी आदान प्रदान भी शाश्वत है। जैसे पिता है पुत्र है, पिताजी गए दुकान पे, हाँ कुछ मिठाई खरीद के लाए, पुत्र को दे दिया, पुत्र गया घर में, प्लेट में मिठाई को रखा, पानी लाया, पिताजी को वही मिठाई खिला दिया, पिताजी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। वस्तु कौन दिया? पिताजी दिए। लेकिन आनंद किसको हो रहा है? दोनों को हो रहा है, पिता को भी हो रहा है पुत्र को भी हो रहा है। वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि भगवान हमें जो भी सुख दे सुविधा दे रहे हैं, जो भी हमें प्रकृति हमें दे रही है, वो सब किस लिए दे रही है? कृष्ण की सेवा के लिए दे रही है। वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है, तभी तो हमारा संबंध स्थापित होगा, है ना। संबंध स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है शास्त्रों का अध्ययन करना। जितना हम ये अभी एक हफ्ते में एक दिन आएंगे सुनेंगे तो नहीं होगा। कभी भी मंदिर आते हैं तो भक्तों से मिलना चाहिए, शास्त्र साधु से, फिर पुस्तक के बात करना चाहिए, कोई प्रश्न है तो आदान प्रदान करना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे परिवर्तन होगा हमारा। नहीं तो लोग आएंगे जाएंगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना। वही बताया जा रहा है यहाँ पे, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम भी आदान प्रदान शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है मनुष्य शरीर मिला है तो पशु में हमारे में क्या अंतर है? यहाँ पे कोई पशु बैठ के बुलाएंगे कि गाय है, चाहे कोई भी पशु बुलाइए, कोई भगवदता सुनिए, क्या वो समझ पाएगा क्या? कुत्ता बिल्ली कोई भी पशु बुलाइए सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। क्यों? हमारे पास विशेष भगवान ने बुद्धि दिया है मनुष्य शरीर। हम गीता भागवत पढ़ सकते हैं, हाँ हमें भगवान ने बुद्धि दिया है, उस बुद्धि के द्वारा भगवद गीता भागवतम पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा? बुद्धिमान होना पड़ेगा।
और जानना पड़ेगा कि जो भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर जाना पड़ेगा, अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में सम्मिलित ही रासलीला कहलाता है। ये थोड़ा वृंदावन के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये स्तर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ लेता हूँ, आप लोग केवल सुन लीजिए। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्राय सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है, और यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह पता नहीं था कि गन्ना क्या होता है, वह उसे केवल इतना बताया गया था गन्ना चूसने बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने बताया, कहा कि गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यही ही सुना था उसने। वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख के और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खतावश इस भौतिक शरीर को चूसकर उन्हें प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए इसमें अल्प सुख का अनुमान आनंद का अनुभव होता है, परंतु वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है और आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। चूँकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर दो उदाहरण आया है मूर्ख आदमी का, क्या बता रहे प्रभुपाद? गन्ने का उदाहरण दे, कोई बता दिया व्यक्ति की ठीक है गन्ना होता है बांस के डंडे के समान, अब जितने भी बांस यहाँ पड़े सबको चूस रहे हो, क्या मिठास आएगी? क्या नहीं आएगी। वास्तविक गन्ना जाना खेत में जानना पड़ेगा, प्रमाणिक व्यक्ति को लेकर जाना बताएगा वो, है ना। तो हमें वही प्रयास कर रहे हैं संसार में, हाँ। तो ये हमें समझने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे कोई पटाखा होता है फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं ना, जाता है फटू गया बस ख़त्म, फिर चाहिए नया, हाँ। इससे क्या होगा? हम करते रहेंगे सुख दुख का अनुभव, लेकिन समझ में नहीं आएगा हमें, है ना। और एक चीज़ है, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावना में प्रक्रिया है, और कृष्ण भावना में द्वारा हम सहने सहने अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना मिथ्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे बुद्धि का विकास होता है। तो भक्ति का सबसे अच्छा चीज़ है कि श्रवण करना। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं अपने कानों से, तब तक आपको मालूम नहीं चला करना क्या है, हाँ। तो कथा सुनने की जो प्रवृत्ति है पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी किसी के पास टाइम नहीं है, लोग आ रहे जा रहे हैं, अभी समझने के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन विचलित है। तो कैसे है, जो बीमार व्यक्ति है मान लीजिए, अगर दवा नहीं लेगा तो कैसे ठीक होगा, वहाँ दवा तो लेना पड़ेगा ना। तो बुद्धि का विकास ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं टाइम नहीं है, हाँ। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना मित्र प्रक्रिया को जानना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से लगता है, हाँ, करने लगते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है, वैसे वैसे हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। खूब ज़्यादा भूख लगा है हमें, 4-5 दिन से भूखे हैं, हाँ। अब कहीं रोड पर रोटी वोटी गिरा है, मिल गया, अब मरने से अच्छा है कि भूख लोग खाते हैं, सूखा रोटी बड़ा है, हाँ, 4-5 दिन से खाना नहीं मिला तो खाते हैं लोग, हाँ, कहीं मिल गया तो। लेकिन आप सोचिए, फिर आए मंदिर में बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर सब बट रहा है, तो क्या वो सूखा रोटी खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, बढ़िया चीज़ मिला है तो खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति को उच्च आस्वादन आने लगता है तो निम्न रस छोड़ देता है। अब रस मिलेगा कैसे, यहाँ बताया जा रहा है कृष्ण भावना मित्र के द्वारा। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि एक बार कोई केवल व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र को अपने जीवन में धारण करेगा तो अवश्य सफल होगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी इसका हमारा कि
कि इसमें आपको हानि होने वाला है। थोड़ा भी समय आप कृष्ण भावना मित का अगर अपने जीवन में अनुभव लाना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी जो बुद्धि है, यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तविक बुद्धि का विकास होगा और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं आप। नहीं तो कितना भी आप देखिए, भौतिक जो पुस्तकें होती हैं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होती हैं। आप देखिए डॉक्टर इंजीनियर सब लोग पढ़ाई कर ले रहे हैं ना, फिर भी आनंद अनुभव नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित थी। वो आत्मा को उससे कोई आनंद नहीं आता है, आत्मा को आनंद तो भगवत गीता भागवतम जो भगवान की पुस्तकें हैं उससे आने वाली है, कोई वो पढ़ता नहीं है। हमारे आश्रम में देखिए डॉक्टर इंजीनियर सब भरे पड़े हैं यहाँ पे, उनके पास पैसे कमी थी क्या? नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगे हुए, जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जड़ में पानी डाल रहे हैं, जो वास्तविक मूल स्रोत है उसमें पानी डाल रहे हैं, तभी तो परे जो पत्ते सब हरे भरे रह रहे हैं। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना में द्वारा हम सहने सहने अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से कर लगते हैं। जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है वैसे वैसे हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावना मित की उस स्थिति पर पहुंच जाता है तो परिणाम क्या होता है, तो अगले क्लास में चर्चा करेंगे हम कि कृष्ण भावना मित में जब आ गया तो इसके क्या परिणाम होगा, क्योंकि समय हो गया है 1 घंटे। अब किसी का कोई प्रश्न है आज का क्लास संबंधित तो पूछ सकते हैं, है ना? तो सब लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे मेरे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी जो हमने पुस्तक पढ़ा है उस पुस्तक का नाम है कृष्ण की ओर, सामने टेबल लगा है, ये चाहे तो पुस्तक आप लोग ले सकते हैं, और किसी को क्लास में जुड़ना है तो अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि अगले क्लास में उनके लिए हम सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें। तो अभी सबके लिए प्रसाद भी रहेगा, प्रसाद लेके जाना है, कृष्ण की ओर पुस्तक टेबल पे सामने मिल जाएगी आपको, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। हरे कृष्णा।